किसी करते तो बोले हाँ बोलो। जुमला तो है नहीं, कुछ नहीं, कहीं ना कहीं तो इनको अंदेशा होगा तभी ये कर रहे हैं। तो कहीं कुछ डर है, कहीं का डर। अच्छा मान लो इनके पास है तो डर किसका? आप दोनों ही हैं डॉक्टर, टी के राय भी है बहुत बेगौली करते हैं, रेगुलर लिखते हैं, बड़े जागरूक लिखते हैं, अब रेगुलर ट्विटर हैंडल में भी लिखते हैं, फेसबुक में लिखते हैं। मान लीजिए मोदी जी का जो विपक्ष बन रहा है, विपक्ष तैयार हो रहा है और राहुल गांधी का पक्ष इमेज नहीं है सामने, तो क्या लगता है कि अगर विपक्ष ही आता है तो उसमें कोई चेहरा सामने दिखता है? अभी तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी के, और वही एक चेहरा के अध्यक्ष खड़गे खड़गे राहुल गांधी नहीं है ना? नहीं तो वही बनेंगे। कौन? वही एक चेहरा ही है। मतलब आप राहुल गांधी मोहर लगा रहे हैं वो चेहरे पे? हाँ। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए डॉक्टर बी के राय जी आपसे पूछते हैं कि आपके विचार में क्या है, जो ये कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा कहाँ से 400 पार है? पिछली बार जब राष्ट्रवाद के नाम पे इन्होंने 303 सीट मिला था तो राष्ट्रवाद के नाम पे मिला था, बालाकोट स्ट्राइक के कारण से मिला था, ऐसे थोड़ी मिल गया था उनको। और इस बार क्या वो रिपीट होगा? 400 पार तो एक जुमला है, जैसे उनकी तमाम जुमले होते हैं, कोई नया जुमला थोड़ी है ये। 400 पार नारा दे दे, वो तो अपने समर्थकों को मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये राजनीति इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बारीकी समझना ज़रूरी है। इसमें आप बताइए कि उनको 400 कहाँ से मिलेगा, जब महाराष्ट्र में 48 सीट है, 80 सीट यूपी में है, 48 मैक्सिमम सीट है, वहाँ पे वो नहीं पा रहे हैं, आधा नहीं मिलेगा उनको। अगर जितने जो चैनल्स हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सब गोदी मीडिया है, उनको तो जो कहा जाएगा वही बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक इनकी बात है, यूट्यूब चैनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं उनके लिए? एक मिनट थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। आपने कहा यूट्यूब चैनल, आपने कहा गोदी मीडिया, आप कह रहे हैं ये नहीं आ रहा, वो तो आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया ही तो है। सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया को आप ऑथेंटिक मान रहे हैं? जैसे लोग कहते हैं ईवीएम, अरे जो जीत जाएगा वो ईवीएम, जो नहीं जीतेगा वो नहीं ईवीएम। आप ये बताइए, पहला दूसरा तीसरा चरण हो गया, चुनाव के प्रतिशत जो है वोट कुछ भी हो, हम कहते हैं उसका असर पड़ेगा नहीं। जब आप जानते हैं एग्जाम देकर के आए, जब रिजल्ट निकलेगा तभी फाइनल होगा, तो अलग हम जितना भी सोच कि हमने 400 पार जहाँ तक मैंने चिकन सर्वे किया है, सब लोगों से बातचीत की है, लोगों का माइंड सेट बड़ा विचित्र है, लोग लाइन में खड़े होकर माइंड सेट बदल देते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ गुरु हमको पंजे में मोहर लगाना है, नहीं नहीं, और जाते जाते गुरु अरे लगाई दो काम हुई दिमाग। ऐसा है कि इस बार जो इंडिया टुडे का, इंडिया गठबंधन का हुआ है अलायंस, हुआ इंडिया अलायंस, तो वो अलायंस जो है उसका 1-to-1।